हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 6A औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊंगा, जिसमें से मैं क्वेश्चन 35 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, 36 के आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिक से बताऊंगा और विस्तार से भी बताऊंगा, दोनों तरह से। तो पहले विस्तार से देखते हैं, उसके बाद ट्रिक से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लिखा है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस प्रकार इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी। तो पूरे 12 माह की पूरी खपत कितनी होगी। तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले 7 माह का औसत आपका दिया है, औसत दिया है कितना 110 लीटर। फिर उसके बाद में दिया है 5 माह का औसत दिया है, औसत आपका दिया कितना 86। अब इसको क्या करेंगे, तो योग अगर निकालेंगे तो योग इसका हो जाएगा, दोनों का गुणा कर दीजिए, 7 × 110 और इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 86। तो इसका टोटल औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 110 + 5 × 86 ये हो गया, और बटे इन दोनों का योग औसत कितना हो जाएगा 12, 7 और 5 12, इसको जोड़ेंगे तो 1200 और बटे 12 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 100। आपका आंसर आ गया है बी। अब ये देखिएगा इसको क्या करना है, ये साधारण नियम है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सभी को कैसे मतलब स्टार्टिंग से जो जो पढ़ता है उसके लिए है। तो क्या करते हैं, इन दोनों का ये 7 × 110 5 × 86 दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद में आपको औसत निकालना है तो इसको दोनों से भाग देंगे, 7 और 5 7 5 12 होता है। ये आपका क्या है, किससे है, ये साधारण नियम है। और ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, देखिए ट्रिक का क्या है फार्मूला, क्या है माह दिया है और औसत क्या है औसत। अब माह में कितना है, 7 माह है और खपत कितना होता है 110 लीटर, और 5 माह में होता है 86। पांच और माह कितना है, 7 माह है, 5 माह, 7 की औसत कितना है 110 है और 5 की है 86 है। ट्रिक से बता रहा हूं, फिर यहां से देखिए ये कितना कम है, कितना कम है, -24 कम है। फिर इन दोनों अगर ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद में फिर ये आपका देखिए 5 के औसत में कितना कम हो रहा है आपका, इसके इधर देखिए इसको आपस में गुणा कर दीजिएगा। तो क्या किया, और ये आपका बड़ी संख्या या छोटी, बड़ी संख्या ले लीजिए, मतलब पहली संख्या लेंगे तो 110 और माइनस, क्योंकि माइनस है, माइनस क्या के? प्लस करिए 24 × 5 और बटे और 7 और 5 12 ये हो गया। किया क्या, 110 ये है, 110 कर दिया, उसके बाद में इन दोनों का 5 × 24 का गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद में इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 × 24, तो ये हो जाएगा 110 − 2 × 5, यहां माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 110 − 10 बराबर हो जाएगा 100। आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका ट्रिक से सॉल्व किया गया है। इसको क्या है, पहले ये औसत से देखेंगे, औसत कैसे निकाला जाता है, ये साधारण नियम जो अपना हम लोग शुरू से पढ़ते आए हुए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, तो उस तरह का ये है कैसे सॉल्व किया जाता है। और आपका ट्रिक का माध्यम क्या है, 7 माह का औसत कितना 110 है, 5 माह का औसत 86 है, फिर उसके बाद में 110 ले लेंगे, 110 कितना कम है 24 कम है। अब क्या करेंगे, तो आपको 110 ले लिया, क्या है 110 ले लेंगे, अब 5वें माह का देखेंगे इस कितना कम हो रहा है, माइनस 110 से कितना कम हो रहा है 24 कम हो रहा है, तो 5 का गुणा 24 में कर देंगे
तो 24 गुणे 5 हो जाएगा और इन दोनों से भाग देंगे, 7 5 12 से भाग दे देंगे, आपका 110 माइनस 10 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 100। इस तरह से लगाएंगे तो 100 आ जाएगा, इस तरह से फार्मूला ट्रिक से भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा। इस तरह से 36 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखते हैं। एक वर्कशॉप में कार्य सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 रुपये है, इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। इन वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? पूछ रहा कर्मचारियों की संख्या, तो माना कर्मचारियों की संख्या क्या है? माना कर्मचारी की संख्या क्या है? 100। उसमें से 7 की संख्या दे रखी है, 1 7 दे रखी है, एक्स माइनस आपका 7 ये है। दो मान है, 1 7 देखा, दूसरे का पता नहीं, शेष कर्मचारी ये शेष हो गए, आपका ये शेष है और ये आपका पहले से दिया रखा है 7। तो क्या है एक्स, क्या है एक्स में से माइनस 7 निकाल देंगे तो शेष बच जाएगा और पहले से 1 आपको 7 दिया है। अब इसमें कह रहा है कि सभी कर्मचारियों का औसत कितना है? 8000 है। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ आपको 3 अंक इसमें भी है, 3 अंक इसमें है, 3 अंक इसमें है, 0 0। तो 1000 जो है उसको आप बाहर कर दीजिए, मतलब 1000 निकाल, 1000 को अभी हटा दीजिए, 1000 का मल्टी, क्योंकि इसमें 3 3 संख्या है, सब में है, तो आप क्या हो जाएगा आपका 8 टोटल कितने हैं? यक्स है, तो यक्स में 8 का गुणा कर देंगे, 8x हो जाएगा। उसके बाद में 7 कर्मचारियों का औसत 12 है, तो 7 गुणे 12 हो गया और प्लस इसका हो जाएगा आपका x माइनस 7 और आपका दिया गया है 6 6 6, 8x बराबर हो जाएगा 12 से 84 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे 6x हो जाएगा, ये 6 से 42 कितना हो गया। क्या क्या मैंने देखेगा, टोटल आपका कर्मचारियों का औसत कितना 8, इसमें टोटल संख्याओं से अगर गुणा कर देंगे तो सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। फिर आपका दिया गया है 7 संख्याओं का औसत दिया है 12000, तो 12 में आप क्या है इसमें 3 3 संख्या जो है उसमें सब में है तो उसको नहीं ले रहे हैं, फिर उसको उसकी जरूरत भी नहीं है, आपको ये भी नहीं लिखा रहेगा तब भी आपसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपका मान उतने ही आ जाएगा, ये आपको जरूरत नहीं है लिखने की, दिया हुआ है तो लिख सकते हैं लेकिन आपका आंसर वही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर इसका आपस में गुणा कर देंगे, देखो 6x इधर ट्रांसफर हो गया, 8x माइनस 6x बराबर हो 84 माइनस 42। अब यहां से इसको घटाएंगे 2x बराबर हो जाएगा 42, तो x बराबर हो जाएगा 42 बटे 2, 2 से डिवाइड कर देंगे 21 आ गए। तो कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई, टोटल 21 आ गए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्या किया मैंने, कह रहा एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 रुपये है, इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, तो इन वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो सभी कर्मचारियों की संख्या x मान लिए हैं, तो अब उसका औसत कितना है 8 है, अगर इन दोनों का इसमें गुणा कर देंगे तो 8x हो जाएगा। फिर अलग उतने ही संख्या है, अब कितने आपको दो भाग में बांटना है, 7 का दिया है शेष का बचा हुआ, तो 7 का दिया है तो आपका 7 गुणे 12 हो जाएगा और अवशेष जो बचा है तो x माइनस से 7 निकाल देंगे और उसको 6 उसका औसत 6 है तो गुणा कर देंगे तो योग हो जाएगा, इसका सिंपलीफिकेशन कर लेंगे तो x बराबर 21 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15130 थी, इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई, इससे परिवार का औसत आय घटकर 14660 रुपया हो गई, विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है? तो इस तरह से सॉल्व करने के लिए पहले क्या है, औसत दिया गया है तो योग निकालेंगे, तो 4 का पहले 4 सदस्यों का औसत
औसत कितना दिया है? 15,130 रुपया दिया है। अगर योग पूछा जाएगा तो योग आपका हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 4 × 15,130, इसका गुणा करेंगे तो 60,520 आ जाएगा। फिर कह रहा है तीन सदस्यों का, एक जब चली गई तो तीन सदस्यों का औसत कितना हो जाएगा, कितना दिया गया है 14,660। और अगर योग निकालेंगे, योग निकालेंगे तो तीन का गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 14,660 × 3, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 43,980। अब 980, अब क्या करेंगे, एक सदस्य का निकालेंगे तो चार में से तीन वाला घटा देंगे तो 660,520 माइनस 4,380 घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 16,540। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या किया मैंने, चार सदस्यों का औसत निकाला, इतना दिया है तो योग हो जाएगा, चार का गुणा करके तो इतना हो जाएगा 60,520। फिर तीन सदस्य का निकालेंगे तो फिर इसका गुणा करके कर देंगे 43,980। फिर चार सदस्यों के और तीन सदस्यों में से घटा देंगे तो जो चली गई थी उसका औसत निकल, उसका आय निकल जाएगा कितना, 16,540। इस क्वेश्चन साल हो गया, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल निकालिए। तो इस तरह से क्वेश्चन निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है 2 × x + x × y / x + y, ये आपका फार्मूला औसत का, औसत का फार्मूला है। जैसे आपको दिया गया है ए से चलता है यहां तक आता है, फिर यहां से फिर उतनी ही दूरी वापस जाता है, मतलब ए जो चलता है एक्स किलोमीटर की चाल से और किलोमीटर प्रति घंटा, और बी जाता है, जो बी है ये बी आपका बी दिया गया, ये वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस अगर जाता है तो आपका अगर औसत निकालेंगे पूरे का तो आपका फार्मूला लगेगा 2xy / x + y। तो आपका फार्मूला आपका बी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ये फार्मूले ही है, एक व्यक्ति अगर ए से बी तक एक्स किलोमीटर की औसत चाल से जाता है तो वापिस बी से ए तक वाई किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौट आता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल निकालना है। तो फार्मूला होता है 2xy / x + y फार्मूला होता है आपका, इस औसत से ये पूरी यात्रा का औसत चाल निकाला जाएगा कितना होता है। तो इस तरह से फार्मूले ये आपका है। 39 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं, अगले वीडियो में आप लोगों को इसी से आधारित क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व कराएंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।